मेरा नाम वंश है और जाटोन विली के साथ ये मेरी सेकंड राइड है और बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. हेलो एवरीवन, जाटन व्हील्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज की राइड है संडे की राइड और हम जा रहे हैं ओल्ड राव मानेसर। और मैं अभी खड़ा हूँ लांबा एंटरप्राइजेज पे जो कि गणेश नगर में है। पूरा मतलब कि रॉयल एनफील्ड का शोरूम है और ये आज की राइड रॉयल एनफील्ड की होने वाली है। और पीछे काफ़ी राइडर्स आज इकट्ठा हो चुके हैं और ये सभी जाएंगे हमारे साथ ओल्ड राव ब्रेकफास्ट राइड पे। तो चलते हैं, एंजॉय करेंगे राइड को और ब्रेकफास्ट करेंगे ओल्ड राव पे। काफ़ी फेमस है ओल्ड राव। तो ये बाइक के दिखा देता हूँ मैं। हेलो, ये भाई हमारे साथ कहाँ गए थे? वहाँ पराठा खाने। तो ये सारे राइडर्स भाई आ गए हैं और ये बाइक के मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी शोर है। ये मेरे पीछे सारी बाइक्स खड़ी हैं आ रही की ये। तो सीधा मिलते हैं बाइक पे आपको। और विक्रांत भाई का फ़ोन आया था कि चलना है। तो मेरे साथ अरुण भाई भी चल रहे हैं और अरुण के पास है ये मेटियोर 350। अभी मिलवाऊंगा। और ये हमारे अरुण भाई विक्रांत। हेलो भाई, क्या कर रहे हो आप? यार अपना रिश्तेदारों का ध्यान रखना पड़ता है। नीट पानी पिला रहा हमें सुबह सुबह। तो अरुण कैसा लग रहा है राइडिंग करते हुए? यस, अमेजिंग यार। बैक टू द लांबा एंटरप्राइजेस। यस, गुड यार, गुड। चलो बढ़िया, एक्सपीरियंस अच्छा है इनका भी राइडिंग का। मैंने ये सजेस्ट करी थी ये सुपर मीटियोर, ये मीटियोर 350 लेने को। तो इनको काफ़ी एंजॉय हो रहा है। बस अब चलेंगे सीधा अपना राइड पे और बाइक पे बात करेंगे आपसे। जो मानेसर में है तो 60-65 किलोमीटर है। जैसे जैसे बाइक लगी हुई है सब उसी रो में चलना। और लीड के लिए मैं लगा हुआ है आपका वो। तो लांबा सर लीड कर रहे हैं ग्रुप को आज, जिन्होंने लास्ट राइड में भी किया था। तो 3-4 राइड हो गए उनसे किया था। तो आज की राइड शुरू हो चुकी है। हम जा रहे हैं ओल्ड राव और हम कर रहे हैं लीड आज की राइड को। और मैं चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की हंटर। बहुत ही कम्पैक्ट बाइक है यार, छोटी सी बाइक है लेकिन मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने। फर्स्ट टाइम मैं ये हंटर चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की। और हमारे साथ आज लगभग मोर देन 20 राइडर्स जा रहे हैं और इतनी ही बाइक हैं। तो काफ़ी बढ़िया राइड होने वाली है, एंजॉय करें लास्ट तक आप, देखें मज़ा आने वाला है आपको। तो अभी हम हैं जेल रोड पे, मेरे राइट हैंड पे है तिहाड़ जेल और ये साइकिलिंग ग्रुप जा रहा है कोई। काफ़ी साइकिलिस्ट हैं आज की इन राइड पे इनकी भाइयों की। और ये काफ़ी, ये देखिए फोटोग्राफी भी हो रही है ऐसी। कोई इवेंट है जिसकी वजह से ये सारे साइकिलिस्ट आज कहीं आई थिंक इंडिया गेट तक ही जाएंगे। मोस्टली साइकिलिस्ट आपको इंडिया गेट पे ही मिलेंगे। धोलागोवा का फ्लाईओवर आ गया है। तो जो रूट हम ले रहे हैं, हम चले थे गणेश नगर से, अब धोलागोवा होते हुए अपना जो जयपुर गुड़गावा हाईवे है और मानेसर को निकल जाएंगे जहाँ पर ओल्ड राव ढाबा है। तो ये आज का रूट है। ये सामने है अपना मेट्रो स्टेशन धोलागोवा का और ये पूरा घूम के आना पड़ता है आजकल जब से ये फ्लाईओवर बना है। यहाँ पे एम्बियंस मॉल पहुँच चुके हैं गुड़गावा। और यहाँ पे मैंने बहुत राइड करी है यहाँ से। ये हमारा मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होता था, मीटिंग पॉइंट होता था। और यहाँ से जितने भी हमारी जयपुर राइड या किसी कहीं भी जाना हो इस तरफ, तो यहीं से हम सारे असेंबल होके चलते थे।
काफ़ी चेंज हो गया है, ये अंडरपास बन गया ना इधर। और ये सामने है द लीला एम्बियंस मॉल। Emotional suicide, you know it's a knife for eye. Didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under, swimming in the bay, I was covered in a tidal wave. तो लास्ट राइड जो मैं आरी के साथ की थी, हमने की थी राम बाबू के परांठे, ये जो टोल पार करके लगभग 2-3 किलोमीटर ये है राम बाबू के परांठे, यहाँ पे हमने खाए थे। बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही मज़ेदार परांठे थे यार, ऐसे परांठे मैंने आज तक नहीं खाए थे। और मैं तो आपको बोलूँगा एक बार ज़रूर आप यहाँ आएँ राम बाबू के परांठे खाने, बहुत ही मस्त हैं यार, कुरकुरे एकदम एज लाइक पिज़्ज़ा, आपको ऐसा लगे पिज़्ज़ा खा रहे हैं और परांठे में पिज़्ज़ा साथ में आपको पेठे की सब्ज़ी मिलेगी, आलू की सब्ज़ी मिलेगी, अचार मिलेगा, दही मिलेगा, बहुत ही मस्त है यार। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लगभग 180-190 का पड़ता है ये पराठा। तो ये ओल्ड राव हम पहुंच गए हैं, मेरे राइट हैंड पे है, और ये फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हम हाईवे छोड़ देते हैं और इसके नीचे जो ब्रिज बना हुआ है ये यहाँ पे जाना है ओल्ड राव। वेलकम, चक्कर जाना ओल्ड राव का खाना। तो हम पहुंच गए हैं ओल्ड राव। हम पहुंच चुके हैं ओल्ड राव, ये सामने देखिए ओल्ड राव, और यहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। और हमारी टोटल 18 बाइक्स आ गई हैं पूरी रॉयल एनफील्ड की। आज की राइड थी बहुत ही शानदार राइड रही, हमने 70 से 80 किलोमीटर की एवरेज से हमने बाइक चलाई है, और काफ़ी लॉन्ग राइड हो गई आज की। और मौसम भी अब थोड़ा गर्म होने लग गया है, और जैकेट में काफ़ी गर्मी लग रही है। हाँ भी लौंडे मज़ा आ गया यार, पीछे वालों को भी देखना पड़ता है ना, मैं तो भगा लूँगा, मैं तो सो भगा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सुपर मिट्टी हो रही ना, मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत, पीछे वालों की दिक्कत थी ना, क्योंकि कोई ट्रैफिक में रह जाता है ना वो फिर पीछे पीछे हो जाता है। बट ऐसे कंट्रोल स्पीड चलनी चाहिए राइड में, ग्रुप राइड हमेशा इतनी ही होती है। मैंने ये देखा 80 से एक इधर भी ऊपर नहीं हुई। Baby this is to die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. Didn't wanna walk the plank. But the Mariona, तो गाइस हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट कंप्लीट, अभी चाय पी रहे हैं। और हमने खाया है मिक्स पराठा, आलू प्याज पराठा, और बहुत ही बढ़िया था, मतलब कि मुझे इतना अप टू द मार्क नहीं लगा। ब्रेकफास्ट करना तो एक बहाना है, हमने दोस्तों के साथ मिलके घूमने जाना है। तो अभी बात करते हैं अपने दोस्तों से कि आज की राइड कैसी रही। तो गाइस मैं अपने आज की राइड के फ्रेंड से बात करा देता हूं, और आज आपको कैसा लगा इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आपका नाम? गुरजस नाम है, और आज की राइड के बारे में बताएं। आज की राइड बहुत बढ़िया थी, मेरी फर्स्ट राइड थी रॉयल एनफील्ड के साथ, और बहुत मज़ा आया इस राइड पे, काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। कौन सी बाइक चला रहे हैं? क्लासिक 350 बाइक है आपकी? हाँ जी। और भाई हमारा? हाय माय नेम इज अनन भाटिया, ये मेरी भी फर्स्ट राइड थी, और अभी आगे फ्यूचर में भी सोच रहा हूँ कि मतलब कंटिन्यू करूँगा। एक बहुत अच्छे सर मिल गए राइड पे, इन्होंने भी काफ़ी गाइड वाइड किया हमको, काफ़ी अच्छी तरह यहाँ तक लेके आए, बाकी करते रहेंगे सर राइड अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आज की राइड? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई के साथ तो बाइक करना एक अमेजिंग टूर, अमेजिंग। थैंक यू यार, थैंक यू। तो सर अपना नाम? मेरा नाम संजय शर्मा है, और आज की राइड के बारे में? फर्स्ट राइड आउट ऑफ द टूर, बढ़िया अरे मस्त। मेरी सेकंड राइड है, होपफुली लाइक ऑब्वियसली और होती रहेगी, अमेजिंग राइड।
माय नेम इज़ पारस गानी एंड ये मेरी फर्स्ट राइड है लामा एंटरप्राइजेस के साथ एंड अभी तक का मतलब पूरा जितना भी ट्रिप रहा है ऑल टुगेदर सब कुछ बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का. सो आई एम गौरव एंड सेकंड ट्रिप विद दिस ग्रुप एंड इट्स एंटरटेनिंग. बढ़िया राइड बताइए. अमेजिंग सर, आपके मज़े ही आते हैं. बहुत बढ़िया राइड थी, मज़ा आया यहाँ ओल्ड राउ तक आने के लिए. नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली सबके साथ बना रहे हैं. बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया पहली राइड. अब हमेशा के लिए. और बाइक हमेशा के लिए सही चल रही है. 650 फर्स्ट क्लास. सर अपना नाम गुरदीप सिंह एंड दिस इज़ माई थर्ड राइड और बहुत ही अच्छी राइड है इनफैक्ट, क्योंकि हमारा आना जाना करीब 125-150 किलोमीटर का राइड हो जाता है विद कलीग्स विद फ्रेंड्स ऑलमोस्ट लाइक 15-20 बाइकर्स ऑल राउंड एंड इट्स अ नाइट्स राइड दैट वी ऑल डू एंड स्पेशली विद रॉयल एनफील्ड हम जब निकलती है तो फिर मज़ा आता है. थैंक यू. कुलजीत सिंह और मेरी ये पहली राइड है. बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही एक फैमिली वाली फीलिंग इसमें आई थी एंड वी रियली एंजॉय दिस. थैंक यू. हाई गाइज, आई एम राज एंड दिस इज़ माई फर्स्ट राइड एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. होप वी विल हैव दिस. अपना नाम राजू मिश्रा है, ये मेरी रॉयल एनफील्ड के साथ दूसरी राइड है. बहुत मज़ा आ रही है. आ रही है? नहीं आ रहा है. अच्छा, आ रही है, कट कर देना. हाँ जी. हाय, मेरा नाम तन्वी है, मैं फर्स्ट राइड है. बहुत मज़ा आया. चल बढ़िया है. तो बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलना. हाँ. तो गाइस, आज की राइड मोस्टली हमारी होगी है कंप्लीट और अब हम निकलेंगे अपने घरों को. और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. तो अब चलेंगे सीधा अपने घरों को और बस एंजॉय करो.